सोमवार सुबह दिलदार नगर नक्सर टोवल प्रमुख मार्ग पर नक्सर बेमुआ के मध्य स्थित बगदाहा पुल के पास मुख्य पक्की सड़क को दो जगहों पर जेसीबी से खोद दिया गया, जिसके चलते 18 किलोमीटर लंबे इस प्रमुख मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। आइए अब आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल यह खुदाई कोर्ट के आदेशानुसार की गई। 18 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किसान अश्विनी कुमार राय के पक्ष में फैसला सुनाया। किसान अश्विनी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा माननीय कोर्ट के आदेश का लगातार अवमानना किए जाने व 2005 में स्थगन आदेश के बाद भी जबरिया सड़क निर्माण किया गया, जिस पर लगभग 18 साल बाद कोर्ट ने न्याय करते हुए मेरे पक्ष में आदेश जारी किया है, जिसके बाद सड़क को हटाने का काम हुआ। अगर इससे किसी को परेशानी होती है तो इसमें विभागीय अधिकारियों की घोर अनियमितता ही कारण है। SDM जमानिया भारत भार्गव ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक यह सड़क किसान को दी गई है और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही सड़क को खुदवाया गया है। आपको बता दें कि इस प्रमुख मार्ग को खोदे जाने के बाद बाइक, साइकिल, पैदल सवारी व स्कूल बसों को सोवल, रमवल, ढरनी होते हुए, जबकि नक्सर से आने वाले वाहनों को ढरनी, अधारीपुर, सोनवल से सोवल होकर जिला मुख्यालय करीब 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर आना जाना पड़ रहा है।